प्रिय अभिभावक आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंजलि सेन हूँ, राजस्थान महिला कल्याण मंडल में साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। आज 18 मई 2020 है, लॉकडाउन का 55वां दिन है और आपने हमारे सीबीआर कार्यकर्ताओं, हमारे टीचर्स से बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं जो कि मीनू स्कूल में है कार्यरत, चाची आवास संजय स्कूल में है, हमारा EIC सेंटर है पंचशील, वहाँ पर इन सब जगह पे आपने पूछा है। तो उसी से संबंधित मैं आपसे यहाँ पे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ और मैं कोशिश करूंगी इनको मैं 10 कुछ बुलेट पॉइंट्स, 10 मुख्य बातों में ही शॉर्ट में आपसे शेयर करूँ। पहली बात जो है मैं शेयर करना जो चाहती हूँ वो है कि अभी हमारे बच्चे रेगुलरली स्कूल नहीं जा रहे हैं, सीबीआर के बच्चे भी अभी घर पे हैं। घर पे ही जो बच्चे हैं उन सबको मैं कहना चाहूंगी कि उनके लिए आप अभिभावक उनका रूटीन सेट करें, बहुत ज़रूरी है उनके लिए रूटीन सेट करना, निश्चित समय पे उनसे काम करवाएं, समय पे उठना, समय पे नहाना, नाश्ता करना इत्यादि, या आप दैनिक क्रियाएं उनकी एक्सट्रीमली रूटीन में सेट करें। सेकेंड चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि आप ये सारे काम जो आप करवाना चाहते हैं बच्चों से वो उनसे स्वयं से स्वयं करवाएं, मतलब वो आप पर निर्भर ना हो, ना ही आप उनका बढ़कर उनसे उनके लिए उनका काम करके दें, वो आत्मनिर्भर बने, ये हमारी कोशिश रहती है। तीसरी चीज जो है वो ये है कि घर में जितने भी काम है, जो घर के जीवन यापन के हमारे जो काम रहते हैं, डस्टिंग है, झाड़ू है, पौधों में पानी देना भी हो सकता है, खाना बनाना है, कितनी सारी चीजें हैं, इन सब कामों में आप इन बच्चों का साथ ले, वो काम भी सीखेंगे साथ ही साथ व्यस्त भी होंगे, तो ये सारी चीजें आप चाहे तो उनको अपने साथ में लेकर करवा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, चौथी चीज जो है वो ये है कि कई बार आपके ऊपर काफी बर्डन आ जाता है, काफी कार्यभार आपका बढ़ जाता है क्योंकि आप सुबह से अपने काम कर रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, बच्चों का भी ख्याल रख रहे हैं, तो आप अपने घर के प्रियजन रहेंगे उनको भी आप साथ में सम्मिलित करें, रिश्ते करीबी होंगे साथ में, उनको भी समझ में आएगा कि आपके लिए क्या क्या काम रहता है, तो आप घर के लोगों को भी इंक्लूड जरूर करें। पांचवा पॉइंट वो ये है कि आप, हम बोल रहे इंक्लूजन करना, इंक्लूड करना लोगों को, तो आप साथ में उनके साथ गेम्स खेल सकते हैं, बच्चों के साथ आप क्रिएटिव वर्क करवा सकते हैं, मतलब आप लूडो, चेस, कैरम वगैरह खेल सकते हैं, कुछ रचनात्मक कार्य आप करवा सकते हैं, जैसे ड्राइंग बनवाना, डांस करवाना, नृत्य करवाना हो सकता है, क्ले से कुछ बनवा सकते हैं, बहुत सारे ऐसे काम रहते हैं, रचनात्मक क्रियाएं जो आप करवा सकते हैं। सिक्स पॉइंट है हमारा कि लॉकडाउन के समय हम ये जानते हैं कि हम पे बहुत प्रेशर रहता है, हम पे बहुत स्ट्रेस रहता है, हम परेशान हो जाते, तनाव में आ जाते हैं और कई बार यही तनाव, यही चिड़चिड़ापन हम अपने बच्चों पर भी निकाल देते हैं, बच्चे ये परिस्थिति समझने के लिए पूरी तरह सक्षम नहीं होते हैं, तो आप गुस्सा और चिड़चिड़ापन उन पे ना निकालें, कोशिश करिए कि आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा व्यस्त रखें। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बोलना चाहती हूँ वो ये, इसी से संबंधित पॉइंट है कि ये पूरे लॉकडाउन के समय को आप जितना हो सके सकारात्मक रूप में ले, जितना सकारात्मक रूप में ले ये आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर रहेगा, घर में माहौल भी काफ़ी अच्छा रहेगा, और सबसे बड़ी बात जो आप अपने चेहरे पर दिखाते हैं, आप जो फील करते हैं, महसूस करते हैं, वही चीज़ आपके बच्चे भी महसूस करते हैं और वही उसी तरीके की प्रतिक्रिया देते हैं, तो अगर आप अच्छा मूड रखेंगे, अच्छे से अच्छा एक स्वास्थ्य रखेंगे अपना, मानसिक स्वास्थ्य भी, वो आपके बच्चों के लिए भी अच्छा और आपके लिए भी अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, मैंने आपसे घर के कामों को लेकर इतनी सारी बातें की, तो कई बार होता है पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमने घर के काम करवा दिए एंड बच्चे ने एक्सरसाइज भी कर ली, उसका पूरे दिन का एक बोलते हैं कि एक्सरसाइज का कोटा पूरा हो गया, पर ऐसा नहीं होता है, ये पेरेंट्स के लिए भी है, अभिभावक के लिए भी है, ये बच्चों के लिए भी है कि आप इन सब कामों के अलावा भी और शारीरिक व्यायाम करें, साथ ही साथ PT, योगा, मेडिटेशन जैसी क्रियाएं आप करें, वो आपके लिए भी बेहतर है, स्ट्रेस कम होता है उससे, शरीर होता है और बेहतर होता है, फिट होता है, तंदुरुस्त होता है, सो आप ये उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं, ये एक्चुअली एक्टिविटी भी की तरह भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हम एक्चुअली इंक्लूड करना चाहते हैं, जो आठवां पॉइंट है वो ये है कि हमारे सीबीआर कार्यकर्ता, हमारे टीचर्स जो हैं,
आपसे लगातार जुड़े हुए हैं और कई बार आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, एक्टिविटीज दे रहे हैं बच्चों से काम करवाने का, तो हम ये चाहते हैं कि आप नियमित रूप से उन्हें वो काम करवाते रहे। इससे ये होगा कि लॉकडाउन के बाद जो हम बोल रहे हैं, लॉकडाउन के बाद उनके आगे के स्तर का जो हम काम करवाना चाहते हैं उसमें आसानी होगी, हमें, आपको भी होगी, बच्चों को भी होगी। और साथ ही साथ आप हमारे साथ वीडियोस एंड फोटोज शेयर करें बच्चे के प्रोग्रेस का, बच्चे के एक्टिविटीज कर रहे हैं हमसे आप शेयर कर सकते हैं, कॉल पर भी आप ये हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हम आपसे बोलना चाहेंगे वो ये है कि लॉकडाउन का समय है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आप सभी अभिभावकों से शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि मैंने आपको ऊपर इतने सारे अभी तक बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको बोले, मुख्य बातें जो बोली हैं वो जो कि इतने सारे कार्य या गतिविधियां आप करवाएं बच्चों को, वो आप सिर्फ और सिर्फ उनके शारीरिक क्षमता, शारीरिक स्थिति के अनुसार करवाएं, उनके मानसिक स्तर के अनुसार करवाएं। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कि ऐसे कार्य नहीं कर सकते, वो उठ नहीं सकते, वो बैठ नहीं सकते हैं, तो उसके लिए अभिभावक, घर के प्रियजन हैं, अलग अलग एक्टिविटीज या कुछ ऐसे कार्य खोज सकते हैं जिससे उनका मन खुश रहे। टीवी देखना क्या है, गाने सुनवा सकते हैं आप, बातचीत आप उनसे कर सकते हैं, अगर वो खुश रहेंगे तो सबसे बड़ी बात अभिभावक आप भी खुश रहेंगे। नेक्स्ट जो है मैं आपसे बात कहना चाहती हूँ कि गर्मी का समय भी है, लॉकडाउन भी है, तो संतुलित आहार का ही ग्रहण करें। दही है, लस्सी है, जितना हो सके अंकुरित मूंग वगैरह, ये सारी चीजें आप खाएं, आपकी चिंता भी काफी हद तक कम रहेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कि लॉकडाउन में हर कोई फॉलो कर रहा है और करना भी चाहिए, वो ये है कि अगर अभिभावक आप बाहर जा रहे हैं या किसी कारणवश आप अपने बच्चे को बाहर लेके जा रहे हैं तो उन्हें आप ये मास्क जरूर से जरूर पहनने को बोले। आप खुद पहनेंगे, आपको देखकर आपके बच्चे भी वही चीज नकल उतारेंगे, आपको देखकर ही वही चीज करेंगे, तो हमेशा मास्क पहने, सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें। आप जितना अपनी सेफ्टी का ख्याल रखेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। मैं अंत में यही कहना चाहती हूँ कि स्टे होम, स्टे सेफ, और आशा करती हूँ आपको जो मैंने इतने पॉइंट्स बताए हैं, कुछ बातें जो आपसे शेयर की है वो आपको अच्छी लगी होंगी और आप वो अमल में लाएंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।